सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भगवान से ये प्रार्थना करें, क्योंकि इस समय प्रार्थना ही काम आनी है कि वो बच्चा जल्दी से ठीक होकर के आप लोगों के बीच में आए। देहरादून के ONGC चौक में हुए भयानक सड़क हादसे में घायल हुआ सिद्धेश अग्रवाल अभी भी अस्पताल में जिंदगी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। सिद्धेश का इस वक्त देहरादून के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इस बीच मीडिया में हादसे को लेकर चल रही तमाम तरह की अनर्गल खबरों से सिद्धेश का परिवार बेहद आहत है। सिद्धेश के पिता विपिन अग्रवाल ने जय भारत TV पर लोगों के नाम अपना संदेश दिया है। उन्होंने इस हादसे में अपने बच्चों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि यह असीम दुख की घड़ी है। वो लोगों से अपील करते हैं कि इस हादसे से जुड़ी कोई भी अनर्गल बातें सोशल मीडिया में साझा न करें। मैं विपिन अग्रवाल सारे मीडिया से ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस समय इतनी दुख की घड़ी है कि हमारे 6 परिवार बहुत ही ज़्यादा दुख में है। 7वां जो बच्चा था वो इस समय ICU में है और ICU में अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा है। तो वो कोई भी बात, कोई भी अगर समाचार दें तो कम से कम किसी भी चीज़ की एक सत्यता को जान करके दें। बस मेरा उनसे यही निवेदन है कि कोई भी गलत खबर, कोई भी गलत चीज़ ना दें जिससे कि गलत वो हो। और आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग भगवान से ये प्रार्थना करें, क्योंकि इस समय प्रार्थना ही काम आनी है कि वो बच्चा जल्दी से ठीक होकर के आप लोगों के बीच में आए। आपको बता दें कि इस घटना को लेकर सोशल मीडिया में तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। मसलन तेज रफ्तार के चलते इनोवा का एक्सीडेंट हुआ, छात्र ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, कोई कह रहा है BMW से रेस लगा रहे थे, जबकि पुलिस को मिली CCTV फुटेज में इनोवा कार सामान्य गति से गुजरती दिखाई दी है। पुलिस ने भी ऐसे तमाम दावों को फिलहाल खारिज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जय भारत TV।